قد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جمالي بلغ العلا كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد مصطفی جان رحمان بیلا ہو سلام سمے گج میں ہدایت بیلا ہو سلام سمے گج میں ہدایت بیلا واسیو پھر پڑو رب کی رحمت پیلا ہو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا ہو سلام شمع غز میں کہ آپ کے روزے مل گیا آپ کے روزے کو دیکھا سکوں مل گیا صلوات اللہ علیہ یا رسول اللہ تیرے در کی مرتبہ سورۃ اخلاص شریف 200 مرتبہ استغفر اللہ 4000 مرتبہ درود پاک اور جو کچھ بھی ذکر اذکار کیا گیا ہے یہ تمام و انسلام کیا گیا ہے سب کچھ تیرے علم پاک میں ہے اے مولا کریم یہ سالانہ عرص پاک نورانی وجدانی محفل پاک اس عظیم اجتماع کو اس عظیم پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما اے مولا کریم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر تحفۃً ہدیۃً عقیدۃً
मोहब्बतन पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। जनाब नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वालदैन करीमैन तय्यबैन ताहिरैन अज़वाज मुतहरात अहले बैत पाक तमाम शुहदाए कराम सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह ताला मकबूल बारगाह पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। कुल बुजुर्गान दीन औलियाए कामिलीन तमाम की खिदमत अक़दस के अंदर पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मौला करीम हुज़ूर दाता गंज बख्श अली हिजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की खिदमत अक़दस के अंदर पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मौला करीम हुज़ूर ख्वाजा ख्वाजगान चिश्ती हुज़ूर ख्वाजा मोहम्मद अमीन हुज़ूर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की रूह पाक को पेश करते हैं, या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मौला करीम खासूसन हुज़ूर ख्वाजा मोहम्मद हमीदुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ऐ मौला उनकी पाक रूह पाक को पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मौला करीम खासूसन बिल खासूस इस प्रोग्राम सारी की सारी महफिल पाक का जितना भी जो कुछ भी जिक्र अज़कार किया गया है इहतरमाम किया गया, मौला करीम इस पाक अमल को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा कर, खसूसन बिल खसूसन सिलसिला आलिया नुशाहिया कादरिया वैसिया जितने भी इस सरजमीन पर साहिब निजारात ऐ मौला करीम आले नबी औलाद अली तशरीफ फरमान की तमाम की खिदमत अक़दस के अंदर पेश करते हैं, कबूल व मंजूर फरमा। ऐ मौला करीम इस पाक नूरानी वजदानी महफिल पाक की बरकत से तमाम साहिब निजारात के दर्जात के अंदर बुलंदी अता फरमा। ऐ मौला करीम इनकी इज्जत और अज़मत के सदका वसीला से या इलाही हम सब की दुआओं को इल्तजाओं को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा। जितने भी हाजिर हैं माएँ बहनें दोस्त अहबाब बुजुर्ग ऐ मौला इस आस्थाने की इज्जत और अज़मत के सदका वसीला से सब की हाजिरी को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। जो दिल तमन्नाएँ आरज़ूएँ इरादे लेकर आए हैं ऐ मौला सब के जायज मकासिद तमन्नाओं आरज़ूओं को पूरा फरमा। ऐ मौला करीम सादात कराम इज्जत और अजमत के आले नबी औलाद अली ऐ मौला इनकी इज्जत और अजमत के सदका वसीला से हम सब की खाली झोलियों को अपनी रहमतों से मालामाल फरमा। जो परेशान हाल है उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमा। जो तंगदस्त है उनकी तंगदस्तियों को दूर फरमा। ऐ मौला करीम जो बीमार हैं खसूसन इस महफिल पाक के अंदर जितने भी प्रोग्राम के अंदर ऐ मौला करीम हाजिर हैं तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। पूरी की पूरी दुनिया के अंदर जितने भी जहाँ कहीं भी ऐ मौला करीम बीमार हैं तमाम बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ मौला करीम खसूसन इस पाकिस्तान का बोलबाला फरमा। ऐ मौला पाकिस्तान में रहने वालों मुसलमानों की नुसरत और मदद फरमा। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत की खैर फरमा। हम सबको नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के रोशन और मुबारक तरीकों के मुताबिक जिंदगी की सांसें गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ मौला करीम अपने प्यारे सोने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रहमत के तवस्सुल से इस आस्थाने को हमेशा हमेशा के लिए ताक़यामे क़यामत तक आबाद व शाद फरमा। इसका फैज पूरी की पूरी दुनिया पर आम फरमा। ऐ मौला करीम तेरे खजानों में कोई कमी नहीं, या इलाही खसूसन एक मरतबा फिर दुआ करते हैं इस आस्थाने की इज्जत और अजमत के सदका वसीला से हम सब की दुआओं को इल्तजाओं को अपनी पाक बारगाह में कबूल फरमा। जो बे औलाद हैं उनको औलाद अता फरमा। जो रिश्ते के मामले में बच्चियों की परेशानी रिश्ते के मामले में जिस जिस परेशानी में मुब्तला है ऐ मौला तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। वल अव्वलो वल आखिरो वल ज़ाहिरो वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम ली खमसतुन उत्फी बिहा हद्दल वबा इन हातिमा अल मुस्तफा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फातिमा। ऐ मौला करीम इस महफिल पाक की बरकत से हुजूर सैयदी व सनदी इनके इलम के अंदर अमल के अंदर उम्र के अंदर बरकतें अता फरमा। इनका साया हम सब के सरों पर ता देर कायम व दायम फरमा। اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم। ऐ मौला करीम इस महफिल पाक की बरकत से या इलाही जितने दोस्त हाजिर हैं इनके अंदर गुनाहगार भी हैं सियाकार भी हैं नेक बंदे भी हैं ऐ मौला किसी एक की दुआओं को अपनी पाक बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा कर, हुजूर सैयदी व सनदी इनके नेक साले औलाद अता फरमा। ऐ मौला करीम फरमा बरदार नेक साले खिज़र उमर वाली औलाद अता फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम वल अव्वल वल आखिरु वज़ाहिरु वल बातिन वहुवा बिकुल्लि शैइन अलीम सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व असहाबिही अजमईन। बैठ जाओ सारे दोस्त।
वाकफे इसरारे हकीकत सदरे महफिल रौनके महफिल जीनते महफिल साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद नासिर अली शाह साहिब कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक्कुहु बादस हुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर बलगल उला बे कमाले ही पशफत दुजा बे जमाले ही हसुनत जमी ओ खिसाले ही सल्लू अलैहि व आलिहि सल्लू अलैहि व आलिहि वो दनाई सुबुल खत्मु रसुल मौलाए कुल जिसने गुबारे राह को बख्शा फरोगे वादिये सीना निगाह इश्क मस्ती में वही अव्वल वही आखिर वही कुरान वही फुरकान वही यासी वही तोहा। अबाबे जीवाकार आज का ये प्रोग्राम आज का ये इंतजामो इंसराम ये 34वां उर्से मुबारक सालाना उर्से मुबारक सुल्तानुल मशाइख साहबे कशफो करामत पीरे तरीकत रहबरे शरीयत हजरते पीर सैयद चिराग अली शाह साहेब अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह दसुआ शरीफ वाली सरकार अल मारूफ बड़ी सरकार और पीर सैयद फखरुस साबिरीन रहनुमाए कामिलीन जीनतुस सादिकीन जनाबे हजरते पीर सैयद मोहम्मद अली शाह साहेब अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह कादरी नुशाही तलियां वाला शरीफ अल मारूफ छोटी सरकार और मजजूब सालिक सैयद अल मुतवक्किलीन हजरत पीर सैयद मलंग अली शाह कलंदरी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह दरबारे आलिया जक नंबर 140 काबे समुंदरी रोड गुजरा और ताजुल आशिकीन बुरहानुल वासिलीन हजरत पीर सैयद मोहम्मद अफजल शाह साहिब कादरी नुशाही अल हसनी वल हुसैनी और पनाहे बेकसा आफताबे जहां हजरते पीर सैयद नजर हुसैन शाह साहिब अल हसनी वल हुसैनी कादरी नुशाही रहमतुल्लाह ताला अलैह सादात इकराम का ये 34वां उर्से मुबारक है जिसकी सदारत फरमा रहे हैं आले नबी औलादे अली पीरे तरीकत वाकफे इसरारे हकीकत साहबजादा वाला शान साहबजादा पीर सैयद नासिर अली शाह साहिब दामत बरकातहुम आलिया आप तशरीफ फरमा हैं और जितने भी आज की इस पाक बजम में पीर भाई मुरीदीन मुतवस्सिलीन मुहिबीन तशरीफ लाए हैं दिल की अथा गहराइयों से उर्से पाक की इस बजम पाक में खुश आमदीद कहते हैं। तमाम अहबाब बड़ी मोहब्बतों बड़ी अकीदत के साथ तशरीफ लाए हैं आप जिस मोहब्बत और जिस अकीदत के साथ तशरीफ लाए हैं मुना पैरा में बेड़ियां पवा देना है तेरे नाम नु जेड़ा बुलंद करदा है ओदा सिर तू नेजे दे उते टंगा देना है आपे विच मंसूर ते बोल के ते अनल हक दी आप सदा देना है मेरे मालिक किते सबर अय्यूब अजमाई जाना है ते किते जकरिया आरे नाल चरवा देना है जे तू चाहे ते कुत्तियां नु जे तू चाहे अपने फजल नाल कुत्तियां नु जन्नत दी सैर करवा देना है मेरे मालिक इधर कर महबूब दा विच कर पर होवे लुट ते आप लटवा देना है जेड़े पैरां नु जन्नत पई उड़ीक दिए ओना पैरां विच बेड़ियां पवा देना है भवे होवे 6 महीनियां दा अली असगर ओदे गले ते तीर चलवा देना है मेरे मालिक हमद तेरी कोई की कर सकदा है तू ते खाक च नूर समा देना है जेनु चाहना है बूए तो तक देना है जेनु चाहना है आप झुका देना है जेनु चाहना है बूए तो तक देना है भाई जेनु चाहना है बूए तो तक देना है जेनु चाहना है आप झुका देना है मेरे मालिक हमद तेरी कोई की कर सकदा है तू ते खाक च नूर समा देना है अब जिसका अकीदा है कि मेरा मालिक खाक में नूर समा देता है हाथ बुलंद करके कहेगा नारे तकबीर नारे रिसालत जरा नारे रिसालत नारे तहकीक नारे हैदरी नारे हैदरी नारे हैदरी अली वाले बन के बोलिए आले नबी औलादे अली तशरीफ फरमा है अली वाले बन के कहिए नारे हैदरी नारे हैदरी अली वालों की जमाने से सुल्तानी नहीं जाती अली वालों की जमाने से सुल्तानी नहीं जाती किसी बायस मुनाफिक की परेशानी नहीं जाती अली के दुश्मनों की आकबत पहचान लोगों ये मर जाए तो इनकी शक्ल पहचानी नहीं जाती नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी
आइए तिलावत कुरान पाक से आज की इस पुरसे पाक की खास नशिस्त का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान पाक से शर्फ हासिल करेंगे और हम बरकत लेंगे। जनाबे कारी मोहम्मद अजहर महमूद साहब से मैं इल्तिमास करूंगा, आप तशरीफ लाएंगे और तिलावत कुरान पाक से आज की इस रूह परवर ईमानी रूहानी इकानी महफले पाक का बाकायदा आगाज फरमाएंगे। तमाम अहबाब तिलावत कुरान पाक बड़ी मोहब्बत और बड़ी अकीदत के साथ समाप्त कीजिए। في الأرض خليفة قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العلي العظيم وبلغنا जनाबे कारी मोहम्मद अजहर महमूद साहिब अल्लाह तबारक व तआला की लारैब व बेऐब बेमिसल व बेमिसाल किताब कुरान पाक की तिलावत से
आज की इस महफिल पाक में रूहानियत की दौलत तकसीम करने का शर्फ हासिल कर रही थी। कुरान पाक का आगाज कारी साहब ने अल्लाह तबारक व तआला के उस कलाम से किया जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से मुखातिब होकर फरमाया कि मैं ज़मीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूँ। एक लंबी तफसीर है और आखिर पर कारी साहब ने जहाँ पे इख्तिताम किया वो भी इलम ही था इंसान का जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पाक से पहला कलाम फरमाया कि पढ़ अपने रब के नाम से। तो अहबाब ज़िबकार कुरान पाक बड़ी अजीम शान किताब है। कुरान और अहले बैत का दामन थाम लेना ही हमारी निजात है। अहबाब ज़िबकार जमाने भर के शायरों के दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। जमाने भर के शायरों के दीवान पढ़ के देखो, फिर उसके बाद रब का कुरान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, तुम सिर्फ सूरह रहमान पढ़ के देखो। आंखें भी होंगी रोशन, दिल भी बनेगा गुलशन, तुम सिर्फ सूरह रहमान पढ़ के देखो। और नातों का दीवान महक, हम कल भी हुसैनी थे, हम अब भी हुसैनी हैं। अरे वहदत की कसम ले लो, शेख अब्दुल सलाम साहब को पेश करने वाला हूँ, कह रहा हूँ कि वहदत की कसम ले लो, अरे वहदत की कसम ले लो, महबूब नहीं बदला, हम कल भी हुसैनी थे, हम अब भी हुसैनी हैं। करबल के मुसाफिर ने, अरे करबल के मुसाफिर ने मतलूब नहीं बदला, अरे करबल के मुसाफिर ने मतलूब नहीं बदला। अब अबाब ज़िबकार मैं पंजतनी हूँ, मेरी निस्बत भी पंजतनी है, कह रहा हूँ कि पंजतन पाका दे नामा दी फेर माला, माला माल ना होए ते मेनू फड़ लई, पाक कमाला दा वेख कमाल मन के, मेरी पाक माल ना होए ते मेनू फड़ लई, खाक खाकिया नजफ दी चुम जाके, सुचा लाल ना होए ते मेनू फड़ लई, इत्थे बण जाली दा मलंग सायम, ओथे नाल ना होए ते मेनू फड़ लई, इत्थे बण जाली दा मलंग सायम, इत्थे बण जाली दा मलंग सायम, ओथे नाल ना होए ते मेनू फड़ लई। और एक शेर सुनिए, ज़िमनन मेरे ज़हन में आ गया है कि ये हौसला भी, अरे ये हौसला भी सिर्फ सिर्फ अबू तालिब के खानदान में है। कह रहा हूँ कि ये हौसला भी सिर्फ सिर्फ अबू तालिब के खानदान में है कि अंगूठा चूसता बच्चा भी इम्तिहान में है। ये हौसला भी सिर्फ अबू तालिब के खानदान में है कि अंगूठा चूसता हुआ बच्चा भी इम्तिहान में है। अहबाब ज़िबकार हमारे बुजुर्ग सनाखान रसूल जनाबे शेख अब्दुल सलाम नक्शबंदी साहब से मैं इल्तिमास करूंगा, आप तशरीफ लाएंगे और मेरे करीम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे। नारे तकबीर मोहब्बत से मिंबर पर जब नात पढ़ी होगी अब बकरो उमर उस्मानो अली होंगे, हसनैन के नाना की क्या बज़्म सज होगी। सुभान अल्लाह, हसनैन के पाल घराना है मोहम्मद पंज तन का घराना है जो रब दो आलम का, जो रब दो आलम का महबूब यगाना।
जाना है। माशाल्लाह वकार ये थे बुजुर्ग सना खान रसूल जनाबे शेख अब्दुस्सलाम नक्शबंदी साहिब। बिला तखीर अगले सना खान रसूल को मैं दावत देना चाहता हूँ जनाबे मेहरान अली कादरी साहब से इतमास करूँगा, वो तशरीफ लाएंगे और वक्त का खास लिहाज रखते हुए हुजूर की बारगाह में बड़ी मोहब्बत से नजराना अकीदत पेश करने की सआदत हासिल करेंगे मेहरान अली कादरी साहब। तमाम अहबाब हुजूर की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश कीजिए। सलातु वस्सलाम अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, एक बार सभी कहते सुभान अल्लाह, माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। एक बार फिर हर साल की तरह इस साल भी मुझे ना चीज की इस पाक और बाबरकत महफिल में हाजिरी हो रही है। तो जैसे मैंने पिछले साल भी ये बात की थी कि मेरी उम्र जड़ी है हूँ 21 साल हो गई, मेरी मुताजत है इंशाल्लाह रहते हुए मैं हाजिरी पेश करके जावे चाहवागा। जर्रा जर्रा दरूद पढ़ता है, कतरा कतरा दरूद पढ़ता है, मेरे आका की जात पर सायम मेरा अल्लाह भी दरूद पढ़ता है। जिन्होंने समझ आई है दोनों बाजू उठा के बोलो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। इतनी बुलंद आवाज में दुरूद पाक पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, टुकड़ों में वाला हूँ मैं, शाह मदीना के गदाओं का गदा 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 हूँ मैं, शाह मदीना के मताहे नबी भी एदा कुछ किछो मिले है इधर देखना है तो दोनों बाजू उठा के रल के कहना है जो कुछ भी हो सैयद के घर से हुआ हो, जो कुछ भी हो सैयद के घर से हुआ हो, जो कुछ भी हो सैयद के घर से हुआ हो, जो कुछ भी हो सैयद के घर से हुआ हो, जो कुछ भी हो सैयद के घर से हुआ हो। एक बारी एक बारी इधर आले भी तरह दोनों बाजू उठा के पूरा पंडाल झंडे बना के दोनों बाजू लहरा के, जो कुछ भी हो सैयद के घर से हुआ हो, जो कुछ भी हो सैयद के घर से हुआ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ, मैं शाह मदीना के गदाओं का गदा हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह, सल्लम अलैका। कलाम तो इजाज़त भाई दा मैनू हुक्म है, मैं हाजरी दा आगाज करांगा बड़ा खास कलाम है। नारे रिसालत इस करम का करो शुक्र कैसे अदा। थोड़ी जी मेरी प्रताप की आवाज खोल देना। नारे रिसालत इस करम का करो शुक्र कैसे अदा, इस करम जो कर मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता था सरकार की महफिल, मैं सजाता था सरकार की महफिल, जो भी आया गए महफिल सरकार की, जो भी आया गए महफिल सरकार की, जो भी आया गया
गई जिसको दरबार की हाजरी मिल गई जिसको दरबार की। जी फरमान ने फरमान मैं आपको भी दुआ लेनी है, हाजरी मिल गई जिसको दरबार की कोई सिद्दी गफारों उस्मान हुए। जिड्डी वड्डी लैण है वड्डी सुभान अल्लाह भी आनी चाहिए। नारा हाजरी कोई सिद्दी गफारों उस्मान हुए और किसी को नबी ने शेर पेश करके इंशाल्लाह दो सैयद होंदा ही सोना सैयद होंदा ही सोना कर मुर्शिद दा गाना गावा हज जरूरी करिए कर मुर्शिद दा गाना गावा हज जरूरी करिए तकवा रख महबूबा वाल चल दवारा बलिए मेरा मुर्शिद सोना सोना सैयद सोना सोना सैयद सोना सोना सैयद सोना सोना सैयद सोना सैयद अली दोनों बाद उठा के गणे हाके सैयद नजर सोना सैयद नजर सोना सैयद नजर सोना बाबा फरीद सोना बाबा फरीद सोना बाबा फरीद सोना साबिर दा पीर सोना साबिर दा पीर सोना उठ फरीदा सुत्या उठ फरीदा सुत्या तू वेला वे खड़ जा उठ फरीदा सुत्या तू वेला वे खड़ जा उठ फरीदा सुत्या तू वेला वे खड़ जा जे कोई मिल जाए बख्शिया जे कोई मिल जाए बख्शिया जे कोई मिल जाए बख्शिया ते तू भी बख्शिया जा गंजे शकर सोना बाबा फरीद सोना बाबा फरीद सोना बाबा फरीद सोना बाबा फरीद सोना साबिर दा पीर सोना साबिर दा पीर सोना इशारा मैनू हो गया है हाजरी हो लगी है मेरी इख्तिताम बस 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 दो शेर रह गए ने मेरी हाजरी दे विच लाहौरों भी बड़े दोस्त आए ने ते हुक्म है एक शेर दा मैं पेश कर दियां के दादा साहब ने लाहौर शहर विच किन्ना कर्म कमाया सुभान अल्लाह तुसी कहना है दादा साहब ने लाहौर शहर विच किन्ना कर्म कमाया एवें ते नहीं हर जुबान ते एहो ही नारा आया मेरा दादा सोना पीछे नजर ना आए नजर ना आए बुलंद आवाज के साथ अल्लाह अल्लाह अल्लाह
उस सोने नल लग गई है जेड़ा तोड़ निभावन वाला है अल्लाह 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 सपनिए अल्लाह 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 जिस रात एक दफा गवाही दे दो जरा दोनों हाथ बुलंद करके जरा मेनू तसल्ली हो जाए मैं सोने दा उम्मती हां मैं सोने दा उम्मती हां मैं सोने दा उम्मती हां मैं सोने दा हुजूर की नजरों में आ गया सुभान अल्लाह समझो मेरे हुजूर की नजरों में आ गया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जब मिल गया पसीना रिसालत खुशबुओं का सिलसिला नस्लों में आ गया दिल को समझ आई है वो सुभान अल्लाह कह रहे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फिर खुशबुओं का सिलसिला नस्लों में आ गया में आ गया अल्लाह सुभान अल्लाह जिक्र बतूल पाक की पहुंचा जो बदम में जिक्र बतूल पाक की पहुंचा जो बज़्म में ऐसा लगा के जैसे मैं अपनों में आ गया ऐसा लगा के जैसे मैं अपनों में आ गया तो में आ गया जो भी दरे बतूल के मंगतों में आ गया और किबला शाह साहब शीर है शीर है शीर है शीर है पुश्ते नबी पे बैठे जहरा
जब हाथ बुलंद करके कहो सभी लोग हैदर 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 नाराए हैदरी। तो जहां जहां भी कोई अली वाला बैठा हो वो दरबार उसका नहीं है, वो दरबार अली का दरबार सजा। तो कितनी तनकीद की तुमने और कितने सौ बरस गुजर गए तुमको कि हम किसी ना किसी तरह चलो सियासी तनकीद के बहाने से अली के दरबार में कमी लाने की कोशिश करें, अली का दरबार न सजे, अली का डेरा न सजे। मगर अहबाबे ग्रामी जब ये भरे हुए डेरे में देखता हूँ तो फिर अल्लाह से अर्ज करने को दिल करता है कि मौला कभी उनको भेज, वो अपनी आंखों से देखे जिस अली के डेरे में तुम कमी लाने चाहते थे वो अली के डेरे तो पहले से भी ज्यादा आबाद है। और ये अली ऐसा बादशाह है, क्या बात है, अली ऐसा बादशाह है कि बादशाह चले जाते हैं उनके दरबार बंद हो जाते हैं, वाह वाह वाह, लेकिन वो ऐसा बादशाह है कि वो तहे मिजार भी है उसका दरबार फिर भी सजा हुआ, उसका दरबार फिर भी सजा हुआ। क्या बात है, क्या बात है, शाही सलामत गिरामी। ये अली के दरबार है, ये दरबार किसके है, अली के, अली के दरबार है। और वो जो बगदाद में बसा हुआ है और भरा हुआ है वो भी अली का दरबार है, जो अजमेर में आबाद है वो भी अली का दरबार है, और जो करबला में आबाद है वो भी अली का दरबार है, और अहबाबे ग्रामी पाक पतन में भी अली का दरबार है। क्यों, ये विलायत ये विलायत किसकी है, अली की। भाई यजीद का भी कोई दरबार आपने देखा कभी, या यजीद के अबाओ अजदाद का भी कभी दरबार देखा किसी ने सजा हुआ? किसी में जुरत है कि वो कहे कि मैं यजीद और बनू मैया का दरबार सजा के बैठा हूँ? ये शान मेरे अली के दरबार की कि लोग सजाना भी फकीर समझते हैं और उस दरबार में आना भी फकीर समझते हैं, क्योंकि ये अली का दरबार है। वाह वाह, अली का दरबार, अली पाक का दरबार है। और अहबाबे गिरामी या अली या अली, हुजूर मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम को मेरा सलाम है। जो है ही अलैहिस्सलाम जिन पर अल्लाह का सलाम है, तो हम तो खुश नसीब हैं, हम भी वहाँ सलाम करते हैं। तो अहबाबे गिरामी आप खुश वक्त हैं, आप खुश बैठे हैं कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ये जो उर्स होता है ये भी खुशी एक किस्म की उर्स शादी के माना में होता है। और आज के दिन में, और याद रखें ये शादी होती है, हमारे एक बुजुर्ग हैं वो फरमाया करते थे, अभी अल्लाह उनका जिंदगी दे मौजूद है पीर साहब है, कि शादी पे जब जो कमी होते हैं, जो मंगते होते हैं, वो दूल्हे के दादा दादी, अगर दादा नाना वगैरह जिंदा हों तो उनसे लाग मांगते हैं। क्या मांगते हैं? लाग मांगते हैं। और अगर कोई वो साहब हैसियत और खानदानी हो तो वो कमियों को लाग जरूर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारे दरबार की बात भी तो ये जो कमी है ये भी तो हमारे 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 खानदान के हैं। तो अहबाबे गिरामी आपको पता है कि जिनकी आज शादी, जिनका आज उर्स है, उनका दादा कितना करीम है, उनका बाबा कितना करीम है, उनका नाना कितना करीम है, और वो सारे ही मौजूद हैं। वाह वाह, वो सारे क्या है, मौजूद है। इसलिए अहबाबे गिरामी हम तो आज कमी बनके साइल बनके उनसे अर्ज करेंगे कि आपके पुत्रों का उर्स है और हम साइल और कमी हैं, तो आज आए हैं हमें खाली न लुटाइएगा, आप अल्लाह के खजानों के मालिक। कौन से खजानों के मालिक? अल्लाह। इसलिए खुश होके तशरीफ फरमा होगा। तो अहबाबे गिरामी हुजूर मौलाए कायनात मौला अली अलैहिस्सलाम और याद रखें, नबी करीम सरकार ने फरमाया अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है।
अली दुनिया और आखिरत में मेरा क्या है, मेरा भाई है। अच्छा ये सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि वो कोई इस्लामी भाई है या शरीफ भाई है, नसब में भी भाई है। सरकार ने फरमाया मैं और अली एक ही नूर से तो हैं, मैं और अली एक ही नूर हैं, हम नूर ही एक है, हमारा बाप दादा एक है। तो हबाबे गिरामी हुजूर मौला कायनात मौला अली के जो वालदे गिरामी हैं उनकी जरा मैं आपको शान अर्ज कर दूं, हजरत सैयदना अबू तालिब अलैहिस्सलाम। आज मुल्ला तारुफ करवाता है वो जी अबू तालिब काफिर था, और भोले वाले लोग कहते हैं हो सकता है कि मौली साहब कह रहे हैं काफिर हो। आपको पता है अबू तालिब हजरत अली के अब्बा जान हैं, हजरत इमाम हसन हुसैन के दादा जान हैं, हजरत नबी पाक सरकार के सगे चचा जान हैं, और जान साज चचा जान हैं, और सैयदा जहरा पाक के ससुर हैं। ये हजरत अबू तालिब है जिन्होंने इस्लाम की हिफाजत करके आगे पहुंचाया। अब आप मुझे ये बताएं कि दुरूद इब्राहिम में पढ़ते हो, दुरूद इब्राहिम में पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम, पढ़ते हो बारक अला मुहम्मदिन व अला आल मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आल इब्राहिम, पढ़ते हो ना। ये आले इब्राहिम कोई नऊज़ु बिल्लाह फिरौन तो नहीं है, हमान या शद्दाद या कारून तो नहीं है, आले इब्राहिम या फिर हजरत इसहाक है या इस्माइल अलैहिस्सलाम है, या ऊपर फिर नीचे आ जाए इधर मक्कातुल मुकर्रमा में हजरत कुसा या कुसई है, हजरत सैयदना कैलाब है, हजरत अब्दुल हजरत हाशिम है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब है, हजरत अबू तालिब, हजरत अब्दुल्ला है, ये सब बनू ये आले इब्राहिम है। क्यों? मैं अपने पास से तो नहीं कहता, मेरे नबी पाक के निकाह का आप वक्त देखें तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के उस पोते ने निकाह पे जो अल्फाज कहे थे हजरत अबू तालिब ने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रियत इब्राहिम व ज़ुर्रियत इस्माइल, के मौला तेरी हमद है कि तूने हमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में और इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में। उन्होंने कह दिया कि लोगों याद रखो, तुम हमें मुसलमान समझो या काफिर, तुम हमें मुसलमान समझो या काफिर समझो, मुल्ला हजरत अबू तालिब को मुसलमान समझे या काफिर, मगर जब वो अला आले इब्राहिम कहेगा रब अबू तालिब पर दुरूद भेज दे, रब हजरत अबू तालिब पर दुरूद, तो इसलिए हबाबे गिरामी मुल्ला के मुसलमान समझने या ना समझने से बात होती। जब कोई भी कायनात में अला इब्राहिम कहेगा तो दुरूद हजरत अबू तालिब पे आ जाएगा। उन्होंने कहा कि हम ही तो हजरत इब्राहिम की औलाद हैं और हम ही तो उनकी नस्ल हैं, हम ही तो उनकी आल हैं। हबाबे गिरामी चूंकि वक्त भी काफी हो चुका, चंद एक बातें ऐसी ही मजेदार सी। हजूर मौला अली अलैहिस्सलाम को सरकार ने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का क्या हूँ? शहर शहर, और अली उसका क्या है? दरवाजा दरवाजा है। बस बात मैंने यकदम खत्म भी कर देनी है, तवज्जो से सुनिएगा कि ये फसाद क्यों है। सरकार ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ और अली इसका क्या है? दरवाजा है। आगे सरकार ने फरमाया मैं हिकमत का घर हूँ और अली उसका दरवाजा। अच्छा, हिकमत को महमूल किया जाता है विलायत पर। किस पर? इस पर, विलायत पर। हिकमत का माना होता है विलायत। सरकार ने फरमाया मैं विलायत का घर हूँ और अली उसका दरवाजा, मैं इलम का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। मेरे नबी पाक सियाने बड़े सड़े उन्हें तो दाना तक कायनात च आया ही नहीं। अच्छा, शहर में तो कोई चोर दाखिल हो सकता है, चोरी से कोई चीज शहर से उठाना आसान है, शहर से चोरी करना और कूद फलांग के शहर में आ जाना, कोई चीज ले जाना चोरी चोरी ये आसान है, लेकिन घर में नहीं कोई किसी को आने देता।
वहां बात विलायत की थी। अब कुछ लोगों ने इल्म के शहर से दरवाजे की बजाय अल्फाज चोरी करने शुरू किए। भाई इल्म तो उसके पास ही होगा जो दरवाजे से जाएगा, लेकिन चूंकि उस शहर में इल्म है तो अगर कोई चोरी भी चला जाए इस दरवाजे से हट के, चोरी चोरी कोई चला जाए, इल्म की कोई ना कोई चीज तो उसको पड़ी हुई मिल ही जाएगी और वो उठा लाएगा। लेकिन चोरी की चीज हराम होती है। वाह 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 वाह। चोरी की चीज क्या होती है? हराम होती है। हाँ, वो जितने मर्जी लफ्ज जमा कर ले वो तो हराम है, क्योंकि वो दरवाजे से नहीं आए। क्योंकि वो कहाँ से नहीं आए, दरवाजे से नहीं आए, वो तो हराम है। जितने मर्जी लफ्ज पड़े वो हराम है, क्यों? वो दरवाजे की तरफ से नहीं आए। जब दरवाजे की तरफ से नहीं आए तो हराम है, और जहाँ हराम आ जाए वहाँ बरकत नहीं होती, वहाँ फसाद होता है, वहाँ परेशानी होती है, वहाँ उलझन होती है। क्यों भाई? क्यों भाई? हुजूर हराम पे यही कुछ होता है ना, तो इसलिए अहबाबे गिरामी तो ये कोई दरवाजे से हट के वहाँ से चोरी कर लाए तो फिर उसको जलालत तो नहीं जलालत मिल सकती है। वाह वाह वाह। समझने वाले शायद समझ गए होंगे। उसको जलालत तो नहीं जलालत मिल सकती है। वाह वाह वाह। समझ आ गई? बेशक। तो वो किसी जलाली का जलाली शागिर्द तो नहीं हो सकता, जिल्लत उसका मुकद्दर हो सकती है। इसलिए अहबाबे गिरामी चूंकि वो शहर है, क्या है वो शहर है, शहर से ये हम देख रहे हैं कि जिन्होंने अल्फाज चोरी किए हैं वो क्या कर रहे हैं, और जिसके बोलने से उम्मत में फसाद पैदा हो। आप यूं समझें कि ये जो खैरात है ना, ये खैरात नहीं दरवाजे से मिली, इसने लफ्ज चोरी किए हुए क्या किए हुए हैं। चूंकि विलायत का ताल्लुक बड़ा अहम है और इसको नबी ने फरमाया ये घर है, और घर में तो कोई खास ही आ सकता है, घर में कोई आम नहीं आ सकता कि आप हैं मैं हूं, हमारे घरों में हर कोई आ जाए, कोई मुंह उठा के आ जाए, हम उसको आने दें? नबी पाक ने फरमाया विलायत का मैं घर हूँ और उसका दरवाजा भी अली है। इसलिए पता चला कि विलायत तो बड़े बाएतमाद लोगों को मिलती है, विलायत तो बड़े खास लोगों को मिलती है, विलायत घर वालों को मिलती है, या फिर दर के कोई आके गुलाम बन जाए या फिर उनको भी वो विलायत खैरात आता फरमा देते हैं। इसीलिए हबाबे गिरामी हमें वलियों में कभी हुजूर गौसे पिया नजर आते हैं, हमें वलियों में कभी ताजदारे अजमेर नजर आते हैं। ये सब वो लोग हैं जो उसी घर से खैरात लेकर आए और उसी दरवाजे के फकीर हैं। इसलिए हबाबे गिरामी ये बात जहन नशीन हो, ये बात आज मैं ये भी अर्ज कर दूं, भाई आप सरकार के सहाबा से मोहब्बत करते हैं कि नहीं? बेशक बेशक। हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम हैं कि नहीं? बेशक बेशक। जरा मोहब्बत से कह दें, हजरत उम्र फारूक के गुलाम हैं कि नहीं? बेशक। जनाब उस्मान गनी के, नबी पाक के सारे सहाबा के गुलाम हैं कि नहीं? बेशक बेशक। गुलाम है ना, तो ये जो सहाबा के नाम पे डाके डाल रहे हैं उनमें से अगर कोई आपको मिले तो उससे पूछो कि हजरत आप हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करते हो, कभी हमें ये घुरा तो निकाल के दो कि खलीफा रसूल खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर को किसने मार के जला दिया था, ताकि हम हजरत अबू बकर के खानदान से नफरत तो कर सकें, खानदान के दुश्मन से नफरत तो कर सके, जिसने नबी पाक के खलीफा के बेटे को मारा भी और मार के जला भी दिया, और हजरत अब्दुल रहमान बिन अबू बकर वो भी शहीद हुए। कभी रैलियां निकालने वालों, कभी ये भी तो हमें बताओ कि हजरत अबू बकर के दूसरे बेटे अब्दुल रहमान को कत्ल किसने किया,
कभी हमें उनका भी तो पता दो ताकि हम अपने नबी के इस सहाबी के बच्चों के कातिल से नफरीन कर सकें, बेजारी का इजहार कर सकें। हमें पता तो दो कि ये कौन है जो मेरे नबी के सहाबा का भी हया नहीं करता। हर हर वो सहाबी जिसने दीन का काम किया है उनके बच्चों को भी चुन चुन के मार दिया गया और उन सहाबा को भी कत्ल कर दिया गया। अहबाबे गिरामी, कोई पूछे इन सहाबा के नाम पर रैलियां निकालने वालों से, भाई हम तो सच्चे सुच्चे आशिक हैं सहाबा के, हम हजरत अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत करते हैं तो उनके बेटे के कत्ल पे दुख भी करते और उनके बेटों के कातलों से बेजार। हजरत उमर से मोहब्बत करते हैं तो उनके कातल से बेजार भी हैं। और कभी पूछे इनसे कि हजरत उमर का जो कातल था वो किसका नौकर था, वो किसका गुलाम था और उसके मालिक को उसके रिवार्ड में क्या मिला, क्या वो 20 साल गवर्नर नहीं रहा। ये वही मुगीरा बिन शोबा था कि जिसको हजरत उमर ने शराब के जुर्म में कोड़े मार के गवर्नरी से हटा दिया था। मोहब्बतों का जिला कौन ऐसे देता है, जग रहे हो नारा रिसाला, हाथ बुलंद कर नारा रिसाला।
समझने बिच मुश्किल की
اقبال میں سج کے چراغ نشاد جنہیں دس آئے گل کیے رب والیا شکل ہے آہت نہیں بس میم کا برقع پایا رے میم کا برقع
Yeah.
ਜੋਗੜਾ ਬਣ ਆਇਆ।
बंदा है या बंदा रब Thank you.
Yeah.
Oh,